हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने आई कंप्लीट किया था। तो ये आई कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और आप लोग के जो रिव्यू आए बहुत अच्छा आया, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिला कि और मैं अच्छे से बताऊँ आप लोग को और आगे की चीज़ें जो है। तो कुछ चीज़ें तो मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ आपको, जैसे नोज़ है, ईयर्स है और क्लिप्स है, वो बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि आपका जो आई है वो इनकम्प्लीट होता है। जब तक वो चीज़ें ना बने तब तक वो कम्प्लीट नहीं दिखती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतना आप कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपने कि कभी उसका आईलैशेस है तो कैसे बनाए, एक एक डिटेल कैसे दे। तो ये जो है हमारा, देख रहे हो आईलैशेस, तो उसको कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आईलैशेस कैसे बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों के जो आईलैशेस होते हैं थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, गर्ल्स का बनाते हो तो बहुत लंबे होते हैं और उसमें भी कई सारे डिवाइड्स होते हैं। तो उसमें भी कोई मेकअप करता है अगर, तो उसके आईलैशेस कैसे होते हैं, डार्क बैकग्राउंड होता है तो उसमें कैसा आईलैशेस हाईलाइट करने होते हैं, अगर ब्राइट है तो उसमें आईलैशेस कैसे होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट लेवल जो होता है लाइट और शेडो का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ में ये होता है कि जब किसी बच्चे का आईलैशेस देखते हो वो बहुत ही कम होते हैं, तो वो चीज़ें कैसे बना सकते हैं। मेल का आईलैशेस होता है तो वो कैसे होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, मैं आजकल यही सब चीज़ें ध्यान दे रहा हूँ मैं, कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को जाननी चाहिए, और कभी कभी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप आज के बाद से इग्नोर ना करें, और जो मैं बताता हूँ आपको फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें और पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। तो और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वैल्यूबल सपोर्ट आपसे चाहिए, जो जो कि मैं जितने सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ें कैसी हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक वैल्यूबल सपोर्ट जो है आपसे मिलेगा। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, और जितना कि मैंने अभी तक बताया है आप लोगों को, जितना यूट्यूब पे बताता हूँ मैं, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल में सीखना है, तो मैंने जैसे पहले अगस्त में ही लॉन्च किया है अपना वेबसाइट, और वेबसाइट में बहुत सारे ऑफ़र भी हैं, जैसे कि मैंने लाइफ टाइम मेम्बरशिप भी दिया है आपको। तो आप अगर एक बार इनरोल कराते हैं हमारे साथ, कोई भी प्लान लें, तो आप मेरे साथ बन सकते हैं, और इंडिविजुअल प्लान्स भी हैं। अगर आप चाहें तो कस्टमाइज कोई क्लास करने के लिए, मुझे ये चारकोल ही सीखना है या फिर मुझे वाटर कलर ही सीखना है, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है, जो कि आपको आपको 1 साल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं, और इसके साथ साथ है ये है कि आप शॉप भी है वहाँ पे, आप अपने आर्टवर्क हैं वहाँ पे मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक आप कि कोई भी आए आप शॉपिंग कर ले आपकी चीज़ें, तो उससे बड़ी चीज़ें क्या होंगी कि आपकी जो आर्टवर्क है वो सेल भी हो रहा है और आप उससे अर्न भी कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है और मेल आईडी भी है, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपके जो व्यूज़ हैं वो मुझे डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने आई कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे हम भी हम लोग को आई लैशेज बनाने, क्योंकि बिना उसके यहाँ पे जो इमेज है जो हम बना रहे हैं वो अधूरी है। तो उसके लिए हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पेंसिल जो यूज़ किया है वो बियानो का है, तो उसके लिए आप जब हम आई लैशेज बनाएंगे तो बिल्कुल ही शार्पन होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जब भी आप स्टार्ट करें तो सारे जो पेंसिल हैं उसको आप शार्पन कर लेंगे, जैसे जो पॉइंट है वो पॉइंट होना चाहिए। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे कभी भी आप आई लैशेस भी देखते हो कि हम जब भी, अगर ये हमारा आई है तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको ये जो पॉइंट है इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, जैसे मैंने लास्ट के आपको एपिसोड में ये भी दिखाया था आपको कि आई लैशेस को लोग ऐसे, इसको ऐसे निकाल लेते हैं, तो जो कि ये मैंने बहुत लोगों में देखा है कि यहाँ पे गलत करते हैं। तो इसका भी एक टेक्निक है, इसके लिए मैं एक कंप्लीट एपिसोड ले रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पे जो है ये भी एक 3D लुक आता है यहाँ पे, तो ये देख रहे हो कि कोई भी चीज़ है अपने आप में, अगर वो राउंड शेप में है तो कुछ ऐसे आती है, देख रहे हो ऐसे चीज़ों को, मीन्स कि ऐसे, जबकि आपको साइड से अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन आप सामने से देखोगे तो वो चीज़ें जो कर्व है कभी कभी ऐसे दिखती हैं, और उसको 3D में जब देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे दिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो होंगी चीज़ें शायद आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे वो कर्व जो है वो ऐसे बढ़ता जाएगा। ये सेम चीज़ जो है इस डायरेक्शन में, इधर भी है, यहाँ पे स्ट्रेट, फिर ऐसे,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, क्योंकि ये राउंड शेप है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा ही है, ये आई भी हमारा, तो इसमें जो चीज़ें कर्व में है और इधर से भी है, तो इसके ऊपर जो चीज़ें आएंगी आपको कुछ ऐसे जाएंगी। तो यहाँ पे ही सेम हम कुछ ऐसे ही बनाने वाले। 4B मैंने पेंसिल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा हम इसको अंदर लेंगे, क्योंकि ये इसको अंदर से ऊपर की तरफ से आ रहा है ऐसे, ये आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, इसको मैंने यहाँ पे कर्व निकाला, और यहाँ से एक जो है सेम इसको मैंने मिक्स किया, फिर यहाँ पे और यहाँ से दो तीन जो है वो एकदम इसको कवर नहीं करना है जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं, इसको ऐसे ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ये सारी चीज़ें हैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, ये जो ऐसे, और ये जो है बंच में आते हैं जैसे आईज आई लैशेस हैं, तो देखो तो ऐसे कुछ, इसको सेम जो है मैंने आपको बताया था कि आगे आके फिर वो स्ट्रेट हो जाती हैं चीज़ें। और जैसे जैसे आगे जाती हैं ये आईलेसेस जो है वो छोटी होती जाती हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी जो हमारा हम यूज़ करेंगे वो है मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल में बेनिफिट ये होता है कि उसकी जो शार्पनेस होती है बहुत अच्छी होती है, और इसके अलावा और भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इको पिगमेंट पेन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो डार्कनेस होती है बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि अगर हमें एकदम बिल्कुल ही अच्छा लाइन चाहिए, जैसे देख रहे हो पतली सी लाइन, तो यहाँ पे कुछ जो और आईज हो आई लैशेज होते हैं छोटे वाले, उसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लें, थोड़े से जो भी हों, और ये इनको हम यहाँ पे आगे आगे एक्सटेंड करेंगे। अब ये तो हो गई ऊपर की बात, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसको ब्लेंड करेंगे नीचे की तरफ, फिर वापस से मैंने यहाँ पे 12B रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा कर्व दिखाऊंगा मैं, तो यहाँ पे देख रहे हो तो चीज़ें जो हैं ऐसे भी जाती हैं, देख रहे हो, इसलिए जो आई लैशेस के कारण ही यहाँ पे जो शेडो आते हैं वो जो है इसके कारण ही आते हैं, जैसे ये देख रहे हो ये यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी नीचे का, तो नीचे के लिए हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये बिल्कुल कर्व में देख रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट, अभी जो है इसके बाद आप 2B या 4B का यूज़ कर सकते हैं, कि थोड़ा शार्पन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे
ये देख रहे हो कि एक अच्छा सा कर्व है, कर्व के थ्रू ही मैं यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ। और इसकी जो थिकनेस के साथ साथ इसका जो लेंथ है कुछ इतना होगा, और ये जो तो ये जो जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा इसमें नीचे का जो पोर्शन है इसमें थोड़ी सी थिकनेस आएगी। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक अच्छा सा एक देख रहा हूँ एक लाइन मिल गई। और यहाँ पे जो आई लैशेस है ना उसमें भी थोड़े से हम इसको ऐड करेंगे एक स्पेकुलर जैसा। और सेम चीज़ है यहाँ पे तो ये होने के बाद फिर से हम इसको मिक्स करके फिर इसमें हम वापस एक बार इसको मैं 6B से एक कर्व दे दूंगा मैं। और साथ में यहाँ पे जो हाईलाइट है ये भी बिल्कुल ही वाइट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ यूज़ करूँगा वो है वाइट जेल पेन। वाइट जेल पेन का आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा हाईलाइट देने के लिए, क्योंकि जो पेपर का जो साइज जो ब्राइटनेस होती है उससे ज़्यादा अगर आपको जाना है ब्राइट देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे ग्रेड हैं, ग्रेड कैसा है जैसे कि 0.08 है, 0.10 है। ये कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हो कि आईलेसेस जो है हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और एक एक जो जो लाइंस हैं उसको हम वापस से इसको कुछ ऐसे दे सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और थिकनेस हम बढ़ाएंगे ये जहाँ पे भी आपको गैप दिखता है
उसको हम थोड़े थोड़े से एक अच्छा सा फॉल ऑफ ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से कर्व होता है और क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इरेज़र का भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फिर यहाँ पे एक सेपरेशन दिखाने के लिए, इसकी आइडेंटिटी जो है वो दिखाने के लिए, आप ऐसे इसके साथ साथ एक इरेजर का जो लाइन है वो बना सकते हैं। ये तो इससे जो है आपका लुक जो है वो और अच्छा निकल के आता है। ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि कैसे हम आईलैशेस जो हैं वो बना सकते हैं, और साथ में हम लोगों ने बहुत सारा स्किन का भी टेक्सचर जो है वो इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आईब्रो जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू।